सो हेलो गाइज, हमारे चैनल पे एक बार फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज, अगर हमारे चैनल पे आप नए नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिख रहे लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि जो मैं मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो गाइज, वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो गाइज, आज हम बताने वाले हैं कि रेडमी 9A में डबल टैप स्क्रीन, जो कि आप डबल टैप स्क्रीन कैसे ऑन करना है, इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो डबल टैप स्क्रीन क्या होता है कि आप जब दो बार स्क्रीन पर टच करते हैं तो आपका स्क्रीन जो है कि ओपन हो जाता है। आपको लॉक साइड वाले बटन से क्लिक करके लाइट ऑन नहीं करना पड़ता है। तो आप दो बार फिर टच करेंगे, लाइट ऑन जो स्क्रीन लाइट होता है वो बंद हो जाएगा, फिर से टच करेंगे तो दो बार से ओपन हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस, ये हम ले चलते हैं आपको, यहाँ पर आपको ले चलते हैं सेटिंग पे। यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे आपको सेटिंग दिख रहा होगा, इस पर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस क्लिक करने के बाद इंटरफेस एक ऐसा फिर आ जाएगा आपके पास, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो गाइज, हमने यहाँ देखिए पहले से ऑन किया हुआ है जो कि डबल टैप स्क्रीन टू वे, तो इसी को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। जब यहाँ से ओपन कर लेंगे, आप ऑन कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से डबल टैप स्क्रीन जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब दो बार टच करेंगे तो लाइट ओपन हो जाएगा, दो बार टच करेंगे लाइट बंद हो जाएगा। तो गाइज, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।